हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 16.2 को हल करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें एक बेलन का व्यास 14 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे बेलन का व्यास, अब व्यास को हमेशा 2r लिखना है, डायमीटर होता है d, लेकिन अपने इसको 2r से करेंगे। 2r बराबर कितना देर का, 14 सेमी। इससे अपने को क्या होगा, आगे हिंट मिलता है कि ये 2r जो है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये 2r हो गया। अब r निकालना है हमें, क्योंकि त्रिज्या से हल होगा, व्यास से हल नहीं होगा। तो ये जो 2 है ना, इसका पक्षांतरण हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे में 2 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा, तो मैं तीनों बता देता हूं आपको। देखो, बेलन का इसने संपूर्ण पूछा है, लेकिन मैं एडिशनल में आपको क्या कर रहा हूं, बेलन के वक्र पृष्ठीय से शुरू कर रहा हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी एडिशनल करवाऊंगा, मैं आपको स्टार बना दूंगा कि ये आपके बुक में नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको आपको एडिशनल में करवाया है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। फ्रेंड्स, इनके जितने भी सूत्र थे वो मैंने सारे आपको समझा करके एक वीडियो में दे रखे हैं, आप उसको जो है देख लें पहले और उससे सूत्र याद कर लें, और उस सूत्र को जो है कॉपी में नोट कर लें आराम से। तो 2πrh, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 15, 7 से 7 कट गए, ठीक है। अब 15 × 2 = 30, देखो 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 का 0 3 हो गए, 3 को 22 से गुणा कर दिया, 22 दिया 66, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वरना आप गुणा कर सकते हो, कैसे, 22 × 44, 44 को 15 से गुणा कर दो, 15 × 60 का 0 80 से, 15 × 60 = 66, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा था वो था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 2πr कोष्टक r प्लस h। तो यहाँ आ जाएगा 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7 और ब्रैकेट r का मान 7 और ये 15, 7 से 7 कटे, 22 × 2 = 44 गुणा 15 + 7, 15 × 5 = 20 और 2 = 22। तब इनको गुणा करेंगे, 44 को 22 से 88, ये भी 88, 8 × 8 = 16, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर या 968 वर्ग सेमी, ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। इसको वर्ग सेमी भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होंगे आपके। ये इसके 2 हो गए। अब इसका जो तीसरा हमसे आयतन भी पूछा है इसने, तो मैं आयतन भी निकाल के बता देता हूँ आपको। अब अपने से पूछा है इसने आयतन, तो यहाँ आ जाएगा बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, एच है, एच कितना है हमारा 15 है, ठीक है, 7 से 7 कट गए, 15 × 7 = 105, 105 को 22 से गुणा कर दो, 2 × 5 = 10, 0 हासिल 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर ये आ जाएंगे 210, 0, 1, 3, 2, 2310 सेंटीमीटर। अब ये आयतन है तो इसकी इकाई क्यूब होगी,
गा तीन लगा दो या लिख दो घनसेमी, आयतन में क्या लिखना पड़ता है, घन लिखना पड़ता है, घनसेमी लिख दो या घात तीन लगा दो, क्योंकि आयतन की कई जो है उसमें अपना क्यूब आता है, तीन आती है घातांक में। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके तीनों ही हल हो गए हमारे, ये मैंने एडिशनल में करवा रखा है, ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। तो इसका दूसरा जो है आप ही कर लेना। देखो बेलन की ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने करवाया वैसे के वैसे करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों यही टाइप है, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तीनों निकालने, सूत्र यही लगाने, बस इसमें ये मेजरमेंट बदल जाएंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस त्रिज्या जो है वो 3 सेमी है और जो इसकी ऊंचाई है वो 7 सेमी है, तो वो वैल्यू लगा देना, आंसर निकल जाएंगे आपके। अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है। तीसरे प्रश्न में अपने को क्या करना है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का बेलन का सिरा क्या होता है, देखो ये बेलन होता है इस प्रकार से, सिरा यानी किनारा, जैसे ये बेलन है, बेलनाकार है, सिरा कौन सा, ये वाला सिरा है, तो ये सिरा किस प्रकार का दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वृत्ताकार है सिरा इसका, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल यानी ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दे दिया, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, सूत्र सारे साथ में लिख लें इनके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया अपने को। ठीक है, अब देखिए अपने को आर निकालनी पड़ेगी, तो आर स्क्वायर बराबर 154 पाई बट्टे में चला जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको और सॉल्व कर लो, 154 बट्टा पाई यानी 22 बट्टा 7, 22 एकम 22, 22 सत्ते, 154 आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7, ये 2 7 ही बचे हमारे, अब वर्गमूल करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो यहाँ पर ये घात भी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, यानी कि 2 बार है तो ये जोड़े से बनाएंगे तो 1 बार 7 आ जाएगा, आर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर हमारा आर आ गया। इसके बाद क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी है, 21 सेमी, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, ये दे दिए अपने को। अब बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं तीनों ही निकाल देता हूँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, देखो इसने फर्स्ट ये हमसे पूछा है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर दे रखिए 7 गुणा 7। ठीक है, आर स्क्वायर है, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, एच कितना है, एच है हमारा 21 सेमी, तो हम इसको कट कर देते हैं, इससे कट हो गया। ठीक है, 22 सत्य 154 गुणा 21, तीनों गुणा करो, देखो हमने 22 को 7 से किया, 154 आ गए, 154 को अब 21 से गुणा करेंगे, अब 2 चौक 8 2 5 10, 1 2 1 2 1 3, ये 4 8 5 13, 1 1 2 3, 3234 हमारा जो है ये आयतन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, 3254 ही आएगा, सॉरी 3234 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन है तो आयतन की इकाई क्यूब होती है, या तो ये लिख लो या क्या लिख सकते हो, घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका इसका पहला, जो इसने आयतन पूछा था, इसके बाद पूछ रहा है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ निकाल देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 का 2
बाई का मान 22/7, आर का मान है हमारा 7 और एच का मान है 21, 7 से 7 कट गए, 21 दूना 42, ठीक है, 21 को 2 से गुणा किया 42, या 22 को 2 से कर दो 22 दूना 44, 44 को 21 से गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ जाएंगे 4 8 4 12, 8 और 1 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये कितना आ जाएंगे, करेक्ट है हमारे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरा जो मैं एडिशनल करवा रहा हूँ इसमें, वो क्या है, इसमें अपने से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो मैंने स्टार बना दिया है, अब यहाँ निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे 2πr कोष्टक r प्लस h, ये सूत्र हो गया। अब बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान है यहाँ पर 7 और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में r का मान 7 और h का मान कितना है हमारा 21। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये 7 से 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया 44, गुणा 21 और 7 28, अब 28 को 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे, देखो 4 8 32, 4 2 8 9 10 11, 4 8 32 3 आ गए, 4 2 8 9 10 11, फिर ये देखिए 4 8 32, 4 2 8 9 10 11, 2 3 2 1, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एडिशनल का भी आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4, तो दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र तथा आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अभी बिल्कुल आसान है, इसमें R1 R2 और H1 H2 चलेगा, क्योंकि दो बेलन है तो दोनों के लिए अलग अलग अपने को वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके जैसे इसने पूछा अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। अभी देखो करके बताता हूँ मैं आपको, तो पहले बेलन की त्रिज्या फिर दूसरे बेलन की त्रिज्या है ना, यहाँ पे चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको अच्छे से करना है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है ऐसे। तो यहाँ आएगा पहले बेलन की त्रिज्या, पहले नंबर पर है तो R1 लिख दो, कितना दिया है इसने अनुपात, इसका हमें दिया है 2, ठीक है, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या, इसका अनुपात कितना दिया है फ्रेंड्स, देखिए इसने दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3, यानी दूसरे बेलन का है 3, ठीक है। अब पहले बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5, यानी ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है तो उसके अनुसार लिखेंगे अपने, पहले बेलन की ऊंचाई H1, पहले बेलन के लिए H1 आएगा, H1 कितना दिया फ्रेंड्स अपने को, ये दिया है इसने 5 अनुपात, फिर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो दूसरे बेलन के लिए आ जाएगा 4, दूसरे बेलन की ऊंचाई, तो दूसरा बेलन है तो H2, ये कितना दे रखा है अनुपात में 4 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब अपने को सॉल्व क्या करना है, इसने देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ देखो पहले अपने क्या करेंगे, पहला जो पूछा है तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे बेलन का, इनका अनुपात पूछा, तो बट्टे में लगा दो दोनों को, तो दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा फ्रेंड्स 2π। अब r पहले बेलन में है r1 और
एच बी वन आएगा, ठीक है, इसमें आएगा 2 पाई, यहाँ दूसरे बेलन में आर टू और एच बी क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पाई से 2 पाई कट हो गया। आर वन है ना, आर वन की वैल्यू क्या है, 2 है, एच वन की वैल्यू क्या है, 5 है, ये देखो 2 और 5 है, ठीक है। अब देखो आर टू की वैल्यू क्या है, 3 है ना, और एच टू की वैल्यू क्या है, 4 है। अब ये कट हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, कितने आ गए, 5/6 या 5:6, ये आंसर हो गया हमारा इसका पहला। दूसरा इसने पूछा है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, देखिए फ्रेंड्स आयतनों का अनुपात निकालेंगे अपने, तो पहले बेलन का आयतन बट्टा दूसरे बेलन का आयतन है ना फ्रेंड्स। अब देखो बेलन के आयतन का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पहला बेलन है तो यहाँ आर वन भी होगा और एच भी वन ही होगा अपना, फिर ये भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ क्योंकि दूसरे बेलन की बात हो रही है तो दूसरे बेलन के लिए यहाँ पे आर टू या एच टू, तो देखिए पाई से पाई कट हो जाएंगे। अब आर वन का स्क्वायर, आर वन कितना है हमारा, 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिखो। एच वन कितना है हमारा, 5 है, ओके। अब इसके बाद क्या है, आर टू स्क्वायर, आर टू कितना है फ्रेंड्स हमारा, 3 है, तो स्क्वायर है यानी 3 को 2 बार लिख दो, है ना। एच टू कितना है हमारा, 4 है, यहाँ 4 लिख दो। अब कट करो, देखो 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5, 3 3 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/9 या 5:9, ये हो गया हमारा। इसने जो दूसरा पूछा था, अब एक मैं स्टार बना के एडिशनल में करवा रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा पहले बेलन, ये जो मैं स्टार में करवा रहा हूँ आपको, दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं ना, पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फ्रेंड्स मैं जो आपको विधि करवा रहा हूँ, ज़्यादातर मैं शॉर्टकट विधि करवाता हूँ, देखो उससे क्या होता है कि एक तो आपके पेज बचता है बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉपी जल्दी भरेगी नहीं, आप आराम से उसमें जितना पेज दिए 32 पेज 28 पेज जो भी हैं तो उसमें आपके करेक्ट करेक्ट सारे आ जाएंगे आपके। और अगर मान लो एक तो ये हो गया आपका कि भाई कॉपी में पेज कम भरेंगे, आराम से काम हो जाएगा आपका, दूसरा टाइम बचेगा क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा करोगे उतना ही ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, लिखोगे और फिर उस लिखने में आपका टाइम भी जाएगा। तो आपको जो पैटर्न सिखा रहा हूँ उससे आपको फॉलो करके ही इस मैथ की पूरी बुक को सॉल्व करना है, ताकि क्या हो आपके लिए हर पैटर्न ईजी हो जाए बिल्कुल, और कम समय में अधिक काम हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 3.25 होते हैं लेकिन 3 घंटे का ही समय होता है वो, तो उसमें भी आपके 15-20 मिनट आपके पास ऐसे स्पेयर होने चाहिए, भाई वापस चेक कर लो, भाई क्वेश्चन के नंबर तो सही लगाए मैंने, यूँ तो नहीं है मैंने 25वां प्रश्न किया था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया 15वां नंबर लगा दिया, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, वापस एक बार कॉपी चेक करने का टाइम मिलना चाहिए और एक्यूरेसी रहनी चाहिए अपनी, तब हमारे क्या होते हैं पूरे पूरे नंबर आते हैं, जो है अपने 90 से आगे क्रॉस करते हैं, 90 से लेके 100 तक आराम से नंबर ला सकते हैं, वरना फिर क्या आते हैं वही 70 75 80, इसी में अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं, उसका कारण ये कि है कि आपकी स्पीड कम होती है, आप स्पीड मेंटेन नहीं करते हो, जिसके कारण क्या होता है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते होते हैं उसके बाद भी छूट जाते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि यार मेरे को आते तो थे लेकिन मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ, टाइम कम पड़ गया, जबकि टाइम कम पड़ना ही नहीं चाहिए, वो जो पेपर होता है ना 2.5 घंटे का होता है सिर्फ, लेकिन आपको देता कितना, 3 घंटे और 15 मिनट देता है, तो बहुत टाइम होता है, सफिशियंट होता है। आप लोग क्या करते हो, उसको खींच देते हो क्वेश्चन को, खींचने से वो आपका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसका आप सूत्र क्या आएगा, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर
कोष्टक आर प्लस एच। अब अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ये जो है पहले बेलन के बारे में बात कर रहा है, यानी यहाँ वन लगेगा, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, ठीक है। अब यह आ जाएगा टू पाई आर आर प्लस एच। तो यहाँ क्या है, देखो दूसरे बेलन की बात हो रही है, तो आर भी टू है और एच भी टू है। देखो टू पाई से टू पाई कट हो गया, आर वन कितना है अब हमारा, आर वन है दो, ठीक है, ब्रैकेट दो प्लस एच वन कितना है, एच वन है हमारा पाँच, बट्टा आर टू कितना हमारा, आर टू हमारा तीन, ब्रैकेट आर टू तीन है प्लस एच टू कितना है, एच टू हमारा चार। अब इसको और आगे बढ़ाओ, दो गुणा दो और पाँच सात, बट्टा तीन गुणा तीन और चार सात, इस सात से सात कट हो जाएंगे तो क्या आएगा, दो बट्टा तीन या दो अनुपात तीन। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मिनट आंसर लिख देते हैं पहले, ये मैंने एडिशनल में भी करवा दिया आपको, आंसर आ गया, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली 16.2 जिसके हमने आज क्वेश्चन किए, प्रश्न क्रमांक 1 से 4, जिसमें मैंने दूसरा प्रश्न आपको करने के लिए दिया। फ्रेंड्स आप जितने भी जो आपको प्रश्न करवा रखे हैं, मैं शॉर्टकट से जो करवा रहा हूँ आपको, उसी पैटर्न से आपको तैयारी करनी है और रिवाइज अच्छे से करना है। इसको आप बार बार करते रहिए ताकि आप भूलें नहीं। जितना भी मैंने अभी आपको वर्क करवा दिया उन सबको सप्ताह में 5 दिन में 4 दिन में पीछे से वापस दोहराया करो, ताकि कुछ भी भूलने वाला काम नहीं रहे अपना। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।